मंदसौर संजीत रोड पर घरों के बाहर ओवरब्रिज निर्माण कार्य को लेकर लोहे की चादरों से किया रास्ता बंद। आक्रोशित लोगों ने किया प्रदर्शन, उखाड़ी चादरें। मंदसौर संजीत रोड पर ओवरब्रिज के निर्माण कार्य कछुए की चाल चल रहा है, उसी को लेकर क्षेत्र के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और आक्रोशित क्षेत्रवासी पूजा व्यास ने मीडिया से चर्चा करते हुए 11:15 पर रविवार को बताया कि 5 सालों से ओवरब्रिज का निर्माण कार्य धीरे धीरे चल रहा है, जिससे हम लोगों को काफ़ी तरह की परेशानी हो रही है और हमारे क्षेत्र के लोगों को अस्पताल जाने में भी काफ़ी तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि सभी जगह सड़कें खोद रखी है और बच्चे भी घरों के बाहर नहीं खेल पाते। समय सीमा होने के बावजूद भी ओवरब्रिज का निर्माण कार्य अभी तक पूरा नहीं हुआ और अब फिर घरों के बाहर लोहे की चादरों से रास्ता बंद कर दिया है। इसी से परेशान होंगे और अभी घरों के बाहर सामने ब्लॉक बनाए जाए, जिससे सभी लोगों को रास्ता मिले। ओवरब्रिज के निर्माण कार्य में ओवरब्रिज निर्माण कार्य के लिए जो दीवार बनानी थी, उसी को लेकर कल लोहे की चादरें लगाई थी, वह क्षेत्रवासियों ने उखाड़ दी है और वहां पर प्रदर्शन किया और धरना दिया। समाजसेवी एवं क्षेत्रवासी रविंद्र पांडे ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि मांगे पूरी नहीं की गई तो आमरण अनशन किया जाएगा। मंदसौर प्रशासन सहित जनप्रतिनिधियों से इस तरह गंभीरता से ध्यान देने एवं मांग की है। ओवरब्रिज निर्माण कार्य के ठेकेदार के खिलाफ भी यहां पर काफी प्रदर्शन किया है। क्षेत्रीय पार्षद भी मौके पर पहुंचे थे और आंदोलन का समर्थन दिया। और क्या परेशानी यहां पर? इसने नगर संजीत नाका रोड और हमारी परेशानी है कि 5 साल हो गए यहाँ पे ब्रिज नहीं बना है और उससे हमें इतनी आने जाने में दिक्कत हो रही है और जो रास्ते की जो सड़कें हैं उन सबको भी खोद खोद के और सारे सड़कें बनाने का काम अभी का भी चालू किया। हमें इतनी परेशानी है, हमारे बीमार इंसान को ले जाने के लिए भी हमें लंबे लंबे रास्तों पर ले जाना पड़ता है। और यहाँ पर जो ये दीवार बना रहे हैं इससे हमारे घर के आगे बिल्कुल भी जगह नहीं बच रही है। हमारी गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेंगे, हमारे बच्चे कहाँ पर खेलेंगे? और हम हमारा अगर काम धंधा नहीं चल रहा, हमारा 5 साल से हमारा काम धंधा बंद है, क्या हमको क्या सरकार खिला देगी क्या लाके? तो आज यहाँ पर जो ब्लॉक, यहाँ पे हमें ब्लॉक चाहिए आने जाने के रास्ते के लिए। और यहाँ पे जो ये बन रही है दीवार, इसमें सबके थोड़ा थोड़ा ब्लॉक सब कॉलोनियों के रास्ते के आगे चाहिए, क्योंकि आधों के घर हमारे उधर अंदर है, सबको बाहर आने जाने के लिए रास्ता चाहिए। और ये जो बना है यहाँ पे आज सबने पत्रे लगाए, हम सब ने उखाड़ दिए, अगर ये नहीं होगा तो यहाँ पे दीवार नहीं बनने दी जाएगी, बस दीवार नहीं बनने देंगे बस। अगर ये संजीत रोड रेलवे ब्रिज ओवर ब्रिज बन रहा है, पिछले 4-5 वर्षों से लगातार अवधि बढ़ती जा रही है और ठेकेदार इस कार्य को बहुत विलंब से बना रहा है, उसके बाद यहाँ पर जो दोनों तरफ रहने वाले जो रहवासी है उनके व्यापार व्यवसाय बर्बाद हो गए, आसपास जो कॉलोनियाँ हैं उनके आवागमन अवरुद्ध हो गए, उनके वाहन बर्बाद हो गए और अब मालूम पड़ा कि यह मिट्टी भर रहे हैं, जो जंगल में ब्रिज बनता है ऐसा ब्रिज यहाँ बना रहे हैं, ये ठीक नहीं है। यहाँ दोनों तरफ जो दुकानदार हैं रहवासी है, उनके निकलने का मार्ग बंद हो जाएगा और बहुत बड़ी परेशानी खड़ी होने वाली है। इसलिए मेरी कलेक्टर महोदय से, जनप्रतिनिधियों सभी से मांग है कि यह आरसीसी के ब्लॉक बना करके अंदर आवागमन का रास्ता इसमें बनाया जाए। आज क्या करा? यहाँ रहवासियों ने धरना दिया है और आंदोलन खड़ा कर दिया है माता बहनों ने, और जो ब्रिज के लिए काम चल रहे थे, ब्रिज के जो चद्दर है वो हटा दिए हैं और अगर प्रशासन नहीं सुनता है तो आमरण अनशन किया जाएगा और उग्र आंदोलन किया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं रविंद्र पांडे, समाज सेवी। धन्यवाद। ये ब्रिज का काम, ये दीवार नहीं बनना चाहिए, यानी रास्ता देना हमको, ब्लॉक देना। 4-4 साल हो गए, हमारे धंधे पानी सब बंद हो गए, क्या बच्चों को क्या खिलाएंगे हम? आज क्या करा आप लोगों ने? धरना दिया हमने, जो लगी थी उसका क्या करा? गिरा दिए हमने सबने मिलके। और बनने भी नहीं देंगे ज्यादा। क्या नाम आपका? मंजू।